नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। अपनी पहली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि रक्षा मंत्रालय की नौकरियों CAPF और असम राइफल्स में 10% आरक्षण। मतलब क्या, अगर कोई भी नौकरी आएगी उसमें जो है 10% आरक्षण जो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। और आप स्वयं देख सकते हैं लिखा हुआ है इसके अंतर्गत जो बिहार में बंद के दौरान गोलीबारी और 20 राज्यों में फैला विरोध। आपको पता है कि विरोध क्यों हो रहा है कि अग्निपथ पथ वाली जो चल रही है इसमें योजना, जिसके अंतर्गत जो है 4 साल संविदा पर जो सैनिकों को रखा जाएगा, उसके बाद वो हटा भी सकते हैं और इनको आगे जो है बढ़ा भी सकते हैं कार्यकाल। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से बाइक फूंक दी गई हैं, आग लगा दिया गया वाहनों पर। जो है लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत जो है असम राइफल्स की भर्ती के दौरान अग्निवीरों में अधिकतम जो है इन्होंने 2 साल की छूट और दे दी गई है। कहने मतलब क्या है, इसके अंतर्गत जो है आरक्षण में, पर यहाँ पर जो है रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में इन्होंने कह दिया गया है कि इसमें जो है अग्निवीरों के लिए कई मंत्रालय विभागों और राज्यों के लिए सहूलियत का ऐलान और जो है सोमवार को इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। जैसा हमारे जो गृह मंत्री हैं राजनाथ जी, उन्होंने बोला है कि जो है कि जितने भी ये जो नौजवान हैं ये इसमें धरना प्रदर्शन ना करें, क्योंकि इसका विज्ञापन जो है सोमवार को जारी होने वाला है। इसमें तैयार रहिएगा भर्ती के लिए। अपनी जो है अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत स्कूलों में जो है 17,000 शिक्षकों की कमी है। प्रदेश के सिर्फ 12 जिलों से ही शासन को भेजी गई रिपोर्ट। जौनपुर में 1,17,000 नामांकन किए गए। मतलब क्या, जिले के अंतर्गत जो है प्रसिद्ध विद्यालयों में छात्र संख्या के हिसाब से जो है करीब 17,000 शिक्षकों की कमी है। कहने मतलब कि एक जिले से 17,000 वो शिक्षकों की कमी है, तो आप समझ सकते हैं पूरे प्रदेश के अंतर्गत जो 75 जिले हैं कम से कम 51,000 पदों पर जो है बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है टीचर की भर्ती आने वाली है। और आप स्वयं देख सकते हैं लिखा हुआ इतनी रिपोर्ट वहाँ पे जो है शासन को भेजी जा चुकी है। UP SSSC जो है कनिक सहायक और कनिक शिशु लिपिक भर्ती का परिणाम जारी। UP SSSC जो है कनिक सहायक का लिपिक भर्ती का परिणाम जो है वो जारी कर दिया गया। मतलब लिपिक बाबू भर्ती का जो परिणाम जो है इन्होंने जारी कर दिया गया है। और इसके अंतर्गत जो है अगर आपने देखा नहीं है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ उत्तर प्रदेश, इसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ने जो है कनिक सहायक और कनिक लिपिक के अंतिम परिणाम शनिवार को घोषित कर दिया गया है। एक बार फिर से जो है आज का अखबार में दिया हुआ है कि नगर निगम में जल्द होंगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती। मतलब क्या है कि अगर आप जो है शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पर जो नगर निगम होता है वहाँ पर जो है ग्रुप डी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। नगर निगम में जो है रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और आप स्वयं देख सकते हैं लिखा हुआ है इसमें जो सभी पदों पर जो है रिक्त पदों का ब्यूरो शासन को भेज दिया गया है शासन के पास। इसका विज्ञापन भी जून के अंतिम सप्ताह में आने की पूरी उम्मीद है। अपनी जो है अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। RRB NTPC CB2 के कि अगले माह जारी हो सकती उत्तर कुंजी। अभी जो है आंसर की जारी नहीं की गई है, पर इसमें बहुत जल्द जो है इसकी आंसर की जारी होने वाली है। इसमें RRB NTPC 2 की जो अगले माह जो आंसर की आने वाली है। अपनी अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ रेलवे करेगा जो है 1.5 लाख भर्तियां। अगर आप स्वयं देख सकते हैं रेलवे करेगा 1.5 लाख भर्तियां अगले साल जून तक, प्रक्रिया पूरी होगी। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवा, इसमें औसत तो वो 43,678 लोगों को भर्ती करेगा रेलवे। इसके अंतर्गत क्या है आप स्वयं देख सकते हैं, रेलवे ने जो है अगले एक साल के अंतर्गत 1.5 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया करने का फैसला लिया है। इस प्रक्रिया को जो है अगले साल जून तक पूरा करने का लक्ष्य है। मतलब क्या, अभी भर्ती प्रक्रिया होगी और इसके बाद 2023 के अंत तक जो है इसमें भर्ती जो है पूरी कर ली जाएगी। अगर आप देख सकते हैं रेलवे ने बताया है कि जो है रेलवे ने ऐलान कर दिया है कि लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने बताया है कि बीते 8 सालों में जो है हर वर्ष औसत 43,000 से लोगों की भर्ती होगी, लेकिन इस बार जो है एक साल के अंतर्गत के मुकाबले 3 गुना कर्मचारी को भर्ती करने जा रहा है रेलवे। रेलवे का यह आदेश जो है मोदी जी ने जो है आदेश करा है। 2023 के अंत तक जो 10 लाख कर्मचारी को नियुक्ति का आदेश दे दिया गया है। इसके अंतर्गत जो है रेलवे के अलावा जो ग्रुप डी के जो इंटर कॉलेज के अंतर्गत चपरासी और क्लर्क भर्ती है वो भी आएगी। इसी के साथ ही जो है सरकार ने बोला 10 लाख कर्मचारी को भर्ती, और रेलवे केवल 1.5 लाख पदों पर भर्ती कर रहा, बाकी पद जो है वो इंटर कॉलेज के अंतर्गत क्लर्क और चपरासी भर्ती के ही हैं। कि सरकार ने जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बोला है कि 10 लाख कर्मचारी को हम नियुक्ति करेंगे, तो इसके अंतर्गत और 1.5 लाख केवल रेलवे करेगा। इसके अलावा
जो है 8.5-9 लाख जो है वो कर्मचारी ग्रुप डी के ही होंगे। यहाँ पर आप स्वयं देख सकते हैं ये जो है चिंता बढ़ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने जो है पूरा का पूरा समय सारणी जो है वो घोषित कर दी गई है। सितंबर से अक्टूबर तक जो है इसमें पूरा ब्यौरा आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। उत्तर प्रदेश राजस्व टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है 22-23 की बीएड की विशिष्ट शिक्षा की प्रवेश के लिए तत्काल इसको स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल जो विशिष्ट बीटीसी और विशिष्ट बीएड होता है उसको अभी रोक लगा दी गई है राजस्व टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से। सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें ऑल इंडिया लेवल से 210 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया। जूनियर कोर्ट में जो है असिस्टेंट के पदों पर भर्ती है। इसकी बात करेंगे जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको ये दे रखी है, यहाँ से आप जो है 10 जुलाई इसकी अंतिम तिथि यहाँ से तक इसको फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है सहायता प्राप्त जो माध्यमिक स्कूल है उसमें तदर्थ शिक्षक जो काम कर रहे हैं उनके लिए जो उन्होंने बोला है कि इनके अंतर्गत तदर्थ शिक्षक तो बाहर हो जाएंगे, इसके बाद जो एक नई भर्ती और कराएंगे जो इस समय 4300 पदों पर चल रही है, 4000 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसको पूरा करा जाएगा। इसको पूरा करने के बाद जो है फिर आपको जो इंटर कॉलेज के अंतर्गत जो है बाबू और फिर चपरासी भर्ती देखने को मिलने वाली है। तैयार रहिएगा, हो सकता है कि 15 जुलाई से पहले पहले इसका विज्ञापन आ जाए। अपनी अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। अग्निपथ ने दिया युवाओं को झटका। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज ने सेना में नौकरी का जो अग्निपथ योजना का आलोचन किया हुआ है। इसमें की आलोचन वही है कि 4 साल संविदा पर रखने के बाद इनको हटा भी सकते हैं और आगे इनको जो है कन्फर्म कर भी सकते हैं, पर ये लोगों को जो है पसंद नहीं आया, इसीलिए चारों तरफ धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। अब बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगतियों को संशोधन के उपरांत जो है 6800 पदों अभी किसमें खाली हैं, इसको जो है हमारे जो राज्य मंत्री हैं इनको इन्होंने पत्र लिखा है। तो यहाँ पे मैंने आपको पत्र दिखा दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है इतने सारे पद खाली हैं। तो अभी जो है इसमें 69,000 में कम से कम 6800 पद खाली हैं, इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अपनी अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है साफ सफाई समेत जो है अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रिक्त पदों को विद्यालय में साफ सफाई से लेकर जो है अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए जो है प्रत्येक स्कूल में 1 से 4 चपरासी की भर्ती की जाएगी। माध्यमिक स्कूलों के अंतर्गत जो है आप स्वयं देख सकते हैं लिखा हुआ है इसके अंतर्गत जो 1 से 4 चपरासी भर्ती होंगे एक स्कूल के अंतर्गत। यह भर्ती का विज्ञापन 15 जुलाई से पहले निकालने की पूरी उम्मीद है और सरकार की मंशा की जल्द से जल्द भर्ती की जाए। यदि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन कोई भर्ती आपके हाथ से निकल ना जाए, कोई सूचना आपके हाथ से छूट ना जाए और कोई भी अगर नोटिस आता सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो जो है इस वीडियो को जो आप लाइक कर दीजिए, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे फेसबुक पे इसको शेयर कर दीजिएगा। तो जैसे इसकी भर्ती का विज्ञापन आएगा तो सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो जो है अभी इसको अपने रिलेशन वालों को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि इसकी भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, सभी को अवगत कराइएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।